حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد ऐसा दौर आ जाए आपको मजदूरी करना पड़े तो आपको शर्मिंदगी का एहसास न करना पड़े
या तो आर्मी में यहूदी के बाद में मजदूरी है, तो आर्मी कुछ भी कर सकता है। तजारत तो अली फोर्ट कर दी गई है, बहुत कहा गया है कि खुद का बिजनेस करो, खुद का कारोबार करो, तुम किसी के सामने मजबूर नहीं हो, जब चाहोगे चलोगे, जब चाहोगे बस। तो इसकी मसला असल में तो जनाब अब्दुल्ला तजारत कर रहे थे, पैगंबर इस्लाम का गुजर हुआ, पूछ लिया अब्दुल्ला क्या कर रहे हो, जनाब अब्दुल्ला ने कहा यार रसूल अल्लाह तजारत कर रहा हूं, पैगंबर ने कहा अब्दुल्ला तुम तालियों के सरदार, तुम तालियों के सरदार यानी सरदार मोहम्मद ने बनाया, जिसे मोहम्मद सरदार बना दे, अगर कोई उस पर उंगली उठा दे तो उंगली अब्दुल्ला पर नहीं उठेगी, उंगली इत्तेहाद मोहम्मद पर उठेगी। वाला खानदान है।
तो जब अल्लाह ने सबसे पहला बेटा दिया, नाम रखा गया और तारीख में मिलता है अली की शकील, दूसरा बेटा अल्लाह ने दिया, नाम रखा गया मोहम्मद, रवायत में मिलता है मोहम्मद की शकील, दोनों बच्चे के थोड़ा बड़े हो गए और अली की शकील मोहम्मद रसूल की शकील, जब बच्चे बड़े हो गए दोनों की उंगलियां पकड़ के मदीने का रुख करके कहती थी, बाबा नाना आपने बचपन में मुझे पाला, मैंने आप दोनों को पाला, आपने मुझे पाला, मैंने आप दोनों को पाला, कर उतर गया ना। अब मोहम्मद थोड़ा पड़े दोनों की उंगली पकड़ के मौला अब्बास की खिदमत में ले आए। देखिए एक अपने भाई पर कितना भरोसा होता है, कितना एतमाद होता है, जब बहन जाती है भाई जाता है, हर भाई बहन में मोहब्बत बयान नहीं की जा सकती कि एक भाई अपने बहन में कितनी मोहब्बत करता है, एक बहन अपने भाई में कितनी मोहब्बत करती है और बहन अपने भाई से क्या चाहती है, कितना भरोसा करके जुमला कहती है, कोई काम कहती है, किसी चीज का मुकाबला करती है। ज़ैनब को कितना भरोसा था अपने भाई अब्बास के ऊपर। दोनों बच्चों की उंगलियों को पकड़ा, पकड़ने के बाद अब्बास की खिदमत में आई, भाई दो आमों मोहम्मद दे रही हूं तो अब्बास वापस लूंगी, दो आमों मोहम्मद दे रही हूं तो अब्बास वापस लूंगी। अब्बास ने क्या किया, दोनों बच्चों को लिया, लेने के बाद फिर उन्हें जन्म सिखाना शुरू कर दिया, तीर अंदाजी सिखाई, तलवार बाजी सिखाई, घोड़े को दौड़ाना सिखाया, घोड़े को ताबा देना सिखाया, कभी दाहिनी तरफ से तलवार चलाना सिखाया, कभी बाईं तरफ से तलवार चलाना सिखाया। जब सब कुछ सिखा चुके तो जनाब जनाब कुबरा की खिदमत में आए, आने के बाद कहते शहजादी बच्चे आमादा है। और बच्चों का अंदाज देखिएगा, जब हमारे बच्चे कोई बड़ा काम कर लेते हैं दौड़ के दादा के पास आते हैं, जिससे उनका बहुत ज्यादा दिल का ताल्लुक होता है, अगर पापा से बाबा से ज्यादा ताल्लुक है तो दौड़ के बाबा की गोद में जाते हैं, अगर माँ से ज्यादा मोहब्बत है तो माँ की गोद में जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है माँ की गोद में जाते हैं ना बाप की गोद में जाते हैं, चचा की गोद में दौड़ के बैठ जाते हैं। तो ये उनका जो उनसे ज्यादा रक्त रखता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनके साथ रहता है, उनसे मोहब्बत हो जाती है, तो बच्चे दौड़ के क्या करते हैं, बड़ा काम कर लेते हैं, चचा धान देखिए हमने क्या कर दिया, बाबा देखिए हमने क्या कर दिया, ये करके दिखाऊं तो बाबा से करके दिखाऊं, ये हमारे बच्चों के अंदर होता है। अब्बास ने जब सारे फनून सिखा चुके, अब्बास ले गया है शहजादी, बच्चे आमादा है, तो बच्चों ने आस्तीनों को उलट के कहा, अम्मा कहिए तो तीन अंदाजे दिखाए, कहती है इधर आओ उधर मोहम्मद, इधर से आओ ने नेजा मारा, उधर से मोहम्मद ने नेजा मारा, नेजा फिजाओं को चीरता हुआ नेजा नेजे की नोक से टकराया, इसके पास है, इधर से आओ ने नेजा मारा, उधर से मोहम्मद ने नेजा मारा, नेजे की नोक नेजे से टकराई, फिर घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को काबा देके काबा यानी 180 डिग्री में घोड़े को एक ही उल्टा काबा, कभी इतना तेज चले कि सिर्फ दर्द नमदार हुई, तो ज़ैनब ने ठहर के कहा और मोहम्मद चलो मैं खैबर शिखर की बेटी हूँ, तो तब है सारा लश्कर आंखों में जा।
जोर तो तब है, कमाल तो तब है जब सारा लश्कर आंखों के जोर पे रुक जाए। इतना सुनना था, ध्यान रखिए, उस्ताद उसे कहते हैं जो अपने शागिर्द को सब कुछ सिखा दे एक नंबर को। वो एक कहावत भी हिंदी की किताबों में शायद लिखी गई है कि एक दिन वो आया अपने शागिर्द के मुकाबले, अपने उस्ताद के मुकाबले में ही, तो उस्ताद ने उसे अखाड़े में पटक दिया। शायद हिंदी में एक पढ़ाता है, किसान है, किसी ने सुना था, बहरा बचपन में सुना था, अभी तक याद है, तो पटक दिया। तो उसने कहा उस्ताद आपने तो हमें सब कुछ सिखा दिया था, तो आज ही के दिन के लिए एक पहुंचने के बाद कहा अल बिन मुबारिक, तुम में कोई है
जो हमारा मुकाबला करे। तो छठी सबसे कहा, छठी सबसे एक सती ने कहा, तुम कौन हो, किस कबीले से हो? कहीं कबीला के घराने के तो नहीं हो? इतना सुनना था कि सरकार मोहम्मद ने कहा, भैया ओ ये गुस्तार अपनी नई जबान से हमारी चल का नाम ले रहा है चक्कर का, इसके लिए बोला बहुत बुलाइए, बहुत कीमती जुमला था, इसके लिए मौला अली अकबर को बुलाइए। और उसके बाद बहस चलती रही, बहस चलती रही। कहा जाता है कि मुकाबले में समरा आया, हजार आदमी से लड़ने वाला समरा नामी पहलवान दोनों बच्चों के मुकाबले में आया। जब आया तो उसने पूछा, मेरे भाई से तुम कौन हो? कहा नहीं सुना, नामे अली ने जो और आया है तो मैं भाई हूं। इसलिए कि हम बात को महसूस करना इनका श्याम
जरूरी नहीं कि मेरे हाथ में जो मासूम है वही इस्लाम की तकलीफ कर रहे थे, नहीं, जो गैर मासूम थे उनका निशान कबीले इस्लाम था। क्यों? इसलिए खानदान वाला जो हालात था, तरबियत बड़ी तरीब होता रही थी, दूध बड़ा तरीब होता रही था, खून बड़ा तरीब होता रही था। कर्बला के मैदान में सब बनी हासिल, सब अवतारे मुका है। अब इसकी भी अल्लाह मसला जानता है, जिसे अवतारे अबू तालिब ही मैदान में किए हुए। ये राज अल्लाह जानता है, हो सकता है परवरदिगार अपने इल्म से जान रहा हो और जानता है परवरदिगार कि अबू तालिब को काफिर कहा जाएगा, लिहाजा नस्ल अबू तालिब को दीन की बका मिला रहा है। कैसे दुनिया कितनी बेशर्म हो गई, दुनिया कितनी कुर्बानियों को देने के बाद भी उसके नमक को हलाल नहीं माना। लिहाजा मैदान का सामने जो लोग भी आए थे वो बिल्कुल इंतकाम थे, बिल्कुल अली की दुश्मनी में आए थे, अली के पूछो पसंद। लिहाजा इतना पूछो हसर पढ़ा जब इमाम हुसैन अपने लंगे से बचे आए सबको हाथों पहने के पानी का मुकाबला कर रहे थे, पत्थर दिल भी होगा तो पिघल जाता, लेकिन दोनों ने पानी लग गया। हुसैन अपने चश्माहे इसकर को खून आलूद कुर्ते के साथ अपने कलेजे से लगाए हुए किस दिल से खेमे की तरफ चले होंगे कि मैं आया था पानी लेने के लिए, लेकिन आप मेरे हाथों में शहीद हो चुका है, मेरे खैमा को आए रबाब को बुलाया, रबाब ने देखा मसीहा कहा कि नन्ही सी कुर्बत लेके जनाब मेरे इज्जत नन्ही सी कुर्बत बनाई जुल्फकार के जरिए से। तो उस्ताद मोहतरम मौलाना नदी हैदर साहब ने जुमला की नदीसों में पढ़ा था कि जब जुल्फकार से अली इज्जत की महक बनाने लगे तो जुल्फकार ने दे दिया गया मैं तो काफिरों पर लहू मारने के लिए आई थी, मुझे न मालूम था मुझसे छह महीने के अली की कब्र बनानी पड़ेगी। परवरदिगार को कोई गम न दे, सवाई धने माने मुजरिम ने कर्बला से जब नहर बना चुके अली अकबर को मौला ने तुरबत में निकालना चाहा, कब्र में निकालना चाहा, बाहर कर लिया है। एक मरतबा अली अकबर को निकाल के फौरन सीने से लगा लिया, क्यों लगा लिया? Thank you.